ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई तुम्हें पता है इस चीज का कि मेरे को यंग गालिब पसंद आया आर्टिस्ट। भाई बंटाई के लेवल से एक आर्टिस्ट मेरे को दिल पे बोला, खैर एक तो नहीं दो तीन है, लेकिन ये इस वक्त मयार तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन हाँ पहले दो में आता ही आता, जो मर्जी हो जाए भाई मेरे को नहीं पता। तो यंग गालिब भाई मेरे को गाना नजर आया, मैंने कहा यार यंग गालिब को सुनते हैं सीरियसली। और इनके गाने का नाम है जो कि लेबल से पहले साइन होने वाला था, उनसे पहले गए, हक हक है ना लाला, लाला भाई को कहते हैं, पेठान पेठान लोग इस तरह ही बोलती हैं भाई लाला। तो भाई रिकॉर्डर हमेशा की तरह मैं भूल गया, और चेक करते हैं कि क्या ये बंटाई की लेबल पे आ गई ऐसे हुए हैं। वैसे ऑब्वियसली ऐसा नहीं होया होगा, क्योंकि एक बंदे का फन होता है, उस फन को देख कर एक लेबल साइन करती है उस आर्टिस्ट को, ताकि उससे उसको बेनिफिट हो कहीं ना कहीं। तो हाँ स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि यंग गालिब क्या लेकर आए हैं बाबा जी, या कैसे थे। किसको पता कल क्या होगा, जब सोएंगे सुबह उठेंगे हम क्या, जिंदगी जीने की वजह ना ढूंढे सिर्फ झूमे हम ढूंढे मजा, आने को आएगी मौत जब आनी है टेंशन को सर से हटा, डर के जी के ना फालतू की बीटी ले बीटी जो देते वटा, सोसो के रातें गुजारी ना बेटे गदारी ना सहते भिखारी बने जिने शब्दों की तंगियों ने बाश पे बाश उतारी में देते, सॉरी हम गिरे उतारी नहीं उन्हें भीख में देते, बिना किसी फीस है टोटली फ्री जो सीख हम देते हैं, ठीक लगे ले ले ज्ञान फुकट का ये ध्यान, जो भटका तो रैपर झुकेंगे और बिना चढ़ेगा ले फोड़ेगा मटका में यार, उदारी में देते सॉरी हम गिरे उदारी नहीं उन्हें भीख में देते, बिना किसी फीस है टोटली फ्री जो सीख हम देते हैं, ठीक लगे ले ले ज्ञान फुकट का ये ध्यान, जो भटका तो रैपर झुकेंगे और बिना चढ़ेगा ले फोड़ेगा मटका, मैं दे देता सबका पर सबके के बदले में जान लो, बना मैं संतो समझ में शांत हूं, जो बना यम तो सीधा मैं प्राण लो, गला से गला मैं काटू ये कला को मेरी, संतु संतु ये तो संधु होता है ना, वो तो जाग होती है पंजाबी, लेकिन संतु ये मेरा हिंदी का गोला लफ्ज है, संतो समझ में शांत हूं, जो बना यम तो सीधा मैं प्राण लो, गला से गला मैं प्राण, यार ये दो लफ्ज मेरे को नहीं समझ आए, सीधी बात है, सत्य के बदले मैं जान लो बना मैं संत तो समझ में शांत हूं, जो बना यम तो सीधा मैं प्राण लो, गला से गला मैं काटू ये कला को कहे ध्यान, जो भटका तो रैपर झुकेंगे और बिना चढ़ेगा ले फोड़ेगा मटका, मैं दे देता सबका पर सत्य के बदले मैं जान लो बना मैं संत तो समझ में शांत हूं, जो बना यम तो सीधा मैं प्राण, ये सन कह रहा है या संतो कह रहा है यार, मेरे को लफ्ज नहीं समझ आ रहा ब्रो, गला से गला मैं काटू ये कला को मेरी पहचान, तो फुकट की सलाना देना तो गांडू भिन्ना है मुझसे तो चला जा झाटू रखा दिया हुआ सब है ना लाला, ऐसे जिया तो फिर क्या ना लाला, तेरे को मेरे पेशा के ना लाला, मेरे को जीने का इसको किंग के साथ मिलाओ यार, इसको किंग के साथ मिलाओ, एमवी में बड़ा पैसा लगा भाई, किंग के साथ कोलैबोरेशन करा, इसका ईपी निकाल भाई, भाई भाई मेरे को पहली दफा एमवी पे इतनी खुशी हो रही है जिसकी गुहादरी, मतलब कुछ आर्टिस्ट उसने अच्छे पकड़े, उफ 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 कहा के ना लाला, मेरे को जीने का जीने का जीने कहा के ना लाला, मेरे को जीने का जीने का जीने कहा के ना लाला, मेरे को जीने का जीने का जीने कहा के ना लाला, अगर फेम होता पास मेरे सब होते खास मेरे, सारे मौका ढूंढते मुझसे हाथ मिलाने को, पर मुझे ना शौक रखना चेलों को साथ, जिनको पैसे देके बोलू आजा सहलाने को, आने दे सालों को सालों से बैठा था सालों। ये वैसे फैक्ट है ब्रो कि वो दुनिया बड़ी बहनचोद है भाई, वो जब भी आती है जब चार पांच बंदे उसको देखना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त कोई नहीं आता जब उसको सपोर्ट कर रहा था, जैसे तुम्हें कई लोग कहेंगे कि जॉब करो लेकिन बिजनेस बेस्ट, मेरा नजरिया शायद मैं गलत हूँ या इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगले गांड में ले लेते हैं, तो उसको कोई नहीं आएगा, जॉब के लिए सारे भागेंगे, वक्ती तौर के लिए 25-30-35-40 या लाख रुपया या 10 लाख भी, वो जॉब है बैंचो, 10 लाख ज़्यादा हो गया ना, लेकिन हाँ जॉब है बैंचो, बिजनेस दिस इज बिजनेस रो, तो हाँ लोग आ जाते हैं बाद में टट्टे चुकने के लिए, लेकिन हाँ उसका स्ट्रगल अपना वो लिखता भी नहीं है तुम्हें, की कसर उतारूंगा सालों में, मैं भी मुंबई का बसवा, सिर्फ इतना ही चूतियों के बीच मेरी गिनती है शानों में, कानों पे बजने से पहले बजाते हम, मौका ना छोड़े हर बारी मचाते हम, सबको ले डूबे हो जैसे सुनामी, तबाही मचाते गिराते जुबानी पमानी, कम चाहे तो बैठे फिर। अच्छा मुंबई का स्लैंग अब हिलाक कहाँ से, अगर हिलाक भी मुंबई से ही अगर मैं गलत ना हूँ मेरे को ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो राइम बहुत अजीब सा करता, थोड़े वियर्ड है कि अपन को आ रहा है कि ये जा रहा है ये बोला नहीं वो करता, ये भी अगर मुंबई से, अगर वो दोनों मुंबई से, ये भी तो आर्टिस्ट वहां का ही है ना ब्रो, इसका मैंने नहीं सुना इस तरह का, शायद इसीलिए इस बंदे के अंदर इतना हीट है ब्रो।
बेलों की गर्दियां बहुत ही अगेन कोई हेड नहीं है आपको समझाने की, मुझे समझाओ भाई, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पे इस तरह के स्लैंग चलते हैं, आ रे ला है, मैं जा रहा, ये मैंने नहीं कभी सुना, ये लव सुना ही नहीं है मैंने। तो अगर ये भी मुंबई का है, और अगर वो मुंबई का है तो फिर ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली फिर जिस शहर का भी है वहाँ का होगा। अरे उनमें से जिनको ना परवाह खुद की पर है, मेरे घर की चिंता बहुत है, होनी ना बेटे यहाँ देते शॉट है, रैपर्स तो बहुत है लेकिन हम टॉप पे, आरी से सुबह काट इन्हें बारी बारी, जैसे दहशत देती सीधे मौत है। हाँ धक्का दिया हुआ सब है ना लाला, ऐसे जिया तो फिर क्या ना लाला, तेरे को मेरे पे शक है ना लाला, मेरे को जीने का, मेरे को जीने का, जीने का, जीने का हक है ना लाला, मेरे को जीने का, जीने का, जीने का हक है ना लाला, मेरे को जीने का, जीने का, जीने का हक है ना लाला, मेरे को जीने का, जीने का, जीने का हक है ना लाला। इस आर्टिस्ट को एम लोग अगला भी सुनेंगे इसका, यार ये गाना टोनी जेम्स ने बनाया। अच्छा टोनी जेम्स से पहले से इनकी यारी दोस्ती थी। अच्छा भाई सबसे पहले तो भाई शुक्रगुजारी करेंगे, यहाँ पर हम एमवीवे बंटाए का, भाई यहाँ पे एमवीवे बंटाए का शुक्रगुजारी करना बनता है। इस वीडियो पे मैं लिखूंगा एमवीवे बंटाए थैंक यू भाई, सीरियस मेरे को ये आर्टिस्ट बंटाई लेवल को जो टॉप टॉप जिसे कहते हैं ना टॉप वहां लेकर जाए, लेके जाएगा, रिटर्न ऐसे लिखवा लो भाई, इसका किंग के साथ कोलैबोरेशन कराओ। मेरा एज ए पब्लिक ओपिनियन है, ओ ना हो ये हो वो हो वो अलग चीज़ है, लेकिन आर्टिस्ट खतरनाक है। देखो सिंपल है, एक तो समझ आ रहा है जो बोल रहा है, मैंने कहा ना गेन अगर मुंबई के वो रहा है वो जो रैप समझ नहीं आता ब्रो, सीधी बात है, मैंने सुना नहीं हुआ उसका, अगर मुझे कैची लगा या मेरा म्यूजिक का जो मेरा जो नेचर है वो टेस्ट ऐसा ही है भाई, मैं ऐसे ऐसे सुनता हूँ। अब देखो ना ध्रुव हो गया, ध्रुव जो भी था मैं बोल गया, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किंग हो गया, यंग गालिब हो गया, इस तरह के आर्टिस्ट इनकी एक अलग कैटेगरी बनती है, समझ लो ये वो बच्चियाँ गिली करने वाले लोग हैं। तो थैंक यू एमवीवे बंटा है कि इस आर्टिस्ट को पकड़ के अपनी लेबल मिल गया, ऑब्वियसली उसने खुद भी भानी जा रहा था, लेकिन अच्छा लेबल मिल गया, अच्छा फ्यूचर है जहाँ तक मुझे नजर आता है, वहाँ पर ये बहुत शार्प हो जाएगा और अपने गानों से बहुत ज़्यादा लोगों को मुतवजा करेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो करेगा ब्रो, मुझे लगता है ये मेरे फेवरेट फिलहाल फेवरेट लिस्टों में ये आपके साथ आ चुका है। और यंग गालिब का सॉरी यंग गालिब का असल नाम क्या है ये मुझे ज़रूर बता देना, और मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। अगेन थैंक यू एमवीवे बंटा है, ये बनता भाई ये बनता है, ये आर्टिस्ट सारा का सारा क्रेडिट जाता है जिसकी लेबल है उसकी वजह से मुझे पता चला, और बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे भाई ये वाइब देगा तुम्हें अच्छी वाली। बाबा जी यस कमांड।